हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम अलाउ सो ब्यूटीफुल का एपिसोड 13 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम शिंजुरी और उदय को देखते हैं। उदय उसे घर छोड़ने आया था और शिंजुरी अब भी बहुत उदास थी। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे तभी हियोन आता है। शिंजुरी उसे देखती है और उदय से कहती है मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। हियोन उसे देख ही रहा था तभी उदय आकर उसे कहता है मैं शिंजुरी को पसंद करता हूँ। हियोन कहता है तो क्या, उदय कहता है तो उसकी फीलिंग्स हर्ट मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब घर पर शिंजुरी उसकी ड्राइंग देखकर बहुत रोती है जो उसने हियोन के लिए बनाई थी। वो उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है और ब्लैंकेट के अंदर जाकर बहुत रोती है। अब अगले दिन हियोन शिंजुरी के लिए स्नैक्स लेने का सोच रहा था। वान पीछे खड़कर उसे ही देख रहा था। वो उसके पास आकर कहता है अगर तुम नहीं खरीद रहे हो तो उसे रख दो। हियोन कहता है मैं खरीदने वाला हूँ। वान कहता है तुम्हारे और शिंजुरी में कुछ हुआ है ना? हियोन कहता है कुछ नहीं। तो वान कहता है फिर शिंजुरी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? सच बताओ, तुम शिंजुरी को पसंद करते हो ना, पर सबसे छुपाते हो। हियोन कहता है ऐसा नहीं है। वान कहता है तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। फिर वो उसके हाथ में एक चिप्स की पैकेट देता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मुझे ये खरीद कर दोगे तो। हियोन कहता है रहने दो और वहां से जाने लगता है। फिर वो वापस आकर वान को चिप्स देकर पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो वान के साथ बहुत सारे स्नैक्स लेता है और शिंजुरी के बेंच पर रखता है। शिंजुरी उठती है तो वो बैग गिर जाता है। उदय उसे उठाकर पूछता है ब्रदर क्या ये तुम्हारा है? शिंजुरी कहती है नहीं। उदय कहता है ठीक है और हियोन के बेंच पर रख देता है। शिंजुरी जानती थी हियोन ने ही ये उसके लिए लाया है, पर वो कुछ नहीं कहती। हियोन को गुस्सा आता है और वो बैग वान के हाथ में रख कर चला जाता है। वान भी उसके पीछे जाता है। शिंजुरी देखने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तभी उदय उसे पूछता है तुम कल क्या कर रही हो? शिंजुरी कहती है कुछ नहीं, क्यों? उदय कहता है कल कोच ने मुझे छुट्टी दी है तो चलो कुछ मजा करते हैं। शिंजुरी कहती है ठीक है। अब कैंटीन में मिन्यू और सियोंग सभी के स्टार्स के बारे में बताकर स्नैक्स ले रहे थे। अब वान भी उनसे पूछने आ रहा था, पर तभी वो शिंजुरी और यंग को आते हुए देखता है। वो तुरंत स्नैक्स के पीछे छुप जाता है। सियोंग यंग को बैठाता है। मिन्यू पूछती है कि तुम्हें तुम्हारा होरोस्कोप जानना है? बस मुझे तुम्हारा स्टार और तुम जिसे प्यार करती हो उसका स्टार चाहिए। यंग दोनों के साइन बताती है। मिन्यू बताती है तुम दोनों के स्टार्स मिलते हैं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यंग खुश हो जाती है और पीछे से वान भी बहुत खुश होता है। सियंग कहता है शिंजुरी बैठो, तुम्हारा भी साइन बताओ। शिंजुरी कहती है रहने दो। अब उन दोनों के जाने के बाद वान भी आता है और उसका और वो जिसे पसंद करता है उसका साइन बताता है। मिन्यू कहती है यंग ने भी यही दोनों साइन बताए हैं। वान बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब हुजी नर्स ऑफिस में आकर कहती है मिस्टर ली मुझे पेन किलर्स चाहिए, मेरा सर बहुत दुख रहा है। मिस्टर ली कहते हैं तुमने कल भी कुछ पेन किलर्स लिए थे। हुजी कहती है मैंने वो सब खा लिए, अब जल्दी और दीजिए। मिस्टर ली कहते हैं बार बार पेन किलर्स लेना अच्छा नहीं है। हुजी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे पेन किलर दीजिए। मिस्टर ली उसे पेन किलर दे देते हैं। हुजी वो लेकर चली जाती है। अब हियोन जा रहा था तभी मिस्टर ली आते हैं और उससे हुजी के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं क्या हुजी किसी चीज से परेशान है? हियोन कहता है नहीं। मिस्टर ली कहते हैं लगता है वो डिप्रेस है तो उस पर जरा नजर रखना। हियोन कहता है ठीक है और मिस्टर ली वहां से चले जाते हैं। अब शिंजुरी और उदय यार्ड में घूम रहे थे। उदय उसे बात कर रहा था पर शिंजुरी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उदय उसे जूस देता है तभी हुजी आती है। उसे शिंजुरी का धक्का लगता है। सूजी कहती है क्या तुम अंधी हो? शिंजुरी कहती है सॉरी, क्या तुम ठीक हो? हुजी कहती है देखा करो तुम कहाँ हो। शिंजुरी उसे सॉरी कहती है। हुजी कहती है क्या तुम्हें यही करना है? तुम हमेशा परेशानी खड़ी कर देती हो। उदय कहता है तुम बहुत ज्यादा नहीं चिल्ला रही हो? तभी हियोन आकर कहता है बस करो। वो हुजी को कहता है तुम जाओ पहले। उदय कहता है हियोन तुम ये क्या कर रहे हो? शिंजुरी कहती है तुम बहुत सेल्फिश हो।
ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उदय भी उसके पीछे जाता है। अब रात में सभी बच्चे चले जाते हैं। तभी हुजी स्टाफ रूम में आकर एग्जाम पेपर की फाइल निकालती है। तभी वहां मिस्टर चुआ आ जाते हैं। वो हुजी के हाथ में एग्जाम पेपर्स देखते हैं। ये देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। वो उसे पूछते हैं, तुम पेपर क्यों चुरा रही थी? हुजी कहती है, मैं नहीं चुरा रही थी। तभी मिस मून आकर पूछती है, क्या हुआ? मिस्टर चोन से कहते हैं, मैंने अभी इसे पेपर चुराते हुए पकड़ा। हुजी रोने लगती है और चिल्लाती है, मैं नहीं चुरा रही थी। अब अगले दिन वान हियान को पियानो बजाने कहता है और शिंजुरी को मनाने कहता है। वहीं शिंजुरी को यंग का मैसेज आता है, जल्दी ऑडिटोरियम में आओ। शिंजुरी जैसी ही आती है, हियान पियानो बजाने लगता है। शिंजुरी ये देखकर हैरान हो जाती है कि हियान उसके लिए पहली बार पियानो बजा रहा है। हियान उसे देखकर मुस्कुराता है और शिंजुरी भी खुश होती है। अब घर जाते वक्त सब हुजी को देखकर बातें बना रहे थे कि वह एग्जाम पेपर चुराते हुए पकड़ी गई। सुजिन उन लोगों को चिल्लाती है और हुजी को वहां से लेकर चली जाती है। अब हियान शिंजुरी को देखते हुए जा रहा था। तभी उदय आकर शिंजुरी को साइकिल पर बैठने कहता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। हियान को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। अब उदय शिंजुरी को गेम सेंटर ले आता है। वो दोनों साथ में बहुत खेलते हैं पर उदय का हाथ अचानक दुखने लगता है। तभी उसे उसके पापा का मैसेज आता है, मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। फिर थोड़ा खेलने के बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं, ट्रीटमेंट के टाइम वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ऐसे शोल्डर लेकर वो कॉम्पिटिशन में भी नहीं जा सकता। उसके डैड पूछते हैं, क्या कोई और रास्ता है? उदय बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके स्विमिंग का सपना टूट रहा था। तभी वो बारिश होते हुए देखता है। अब शिंजुरी भी घर के पास आती है। हियान उसके लिए छाता लेकर खड़ा था। तभी शिंजुरी को उदय का कॉल आता है। वो पूछता है, क्या तुम सही से घर पहुंच गई? बाहर बारिश हो रही है। शिंजुरी कहती है, हाँ, वैसे आज मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू। हियान ये सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो कब से उसका वेट कर रहा था। यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 14 में।